लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें एक सीट मांधाता विधानसभा क्षेत्र की है, जहां पुनासा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव की मौजूदगी में उत्तम पाल सिंह ने प्रत्याशी के रूप में नामांकन फॉर्म दाखिल किया है। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह ने सोमवार को 12:15 पर अपनी उम्मीदवारी का नामांकन पत्र पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व विधायक ठाकुर राजनारायण सिंह की मौजूदगी में रिटर्निंग ऑफिसर और SDM पुनासा को प्रस्तुत किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने उत्तम पाल सिंह ने नामांकन जमा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मांधाता विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है और वह दिन आ गया है कि जनता बिके हुए लोगों को जवाब देने के लिए तैयार रहेगी। शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। ये चुनाव सच्चाई और झूठ का चुनाव है और जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को धोखा दिया है, ईमानदारी और बेईमानी का चुनाव है। मांधाता में आज हमने नॉमिनेशन फाइल कराया है उम्मीदवार का और पूरी शिद्दत के साथ सभी हमारे कार्यकर्ता इस चुनाव में भाग ले रहे हैं और निश्चित तौर पर इस चुनाव को हम जीतेंगे, क्योंकि मांधाता का जो मतदाता है, जिसने 15 साल बाद एक उम्मीदवार को यहाँ से निर्वाचित कराकर भोपाल भेजा, उसने हमारे साथ धोखाधड़ी की, तो उसको हम लोग अपने वोट के माध्यम से सबक सिखाएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे और पुनः मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी है, आपके और पूरी कांग्रेस के निशाने पर कभी गद्दार हैं कभी वो हैं? नहीं, मैं तो सच्चाई का बखान कर रहा हूँ, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया और जब मैं कुछ कहता हूँ तो अथांतिक बात करता हूँ, बिना बुनियाद बेबुनियादी बात मुझे करने की आदत नहीं है। जो सच्चाई है, जो इतिहास है, जो उनका इतिहास है, उनके उसके परिवार का इतिहास है, वो जनता को मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस में थे जब वो फरार हो गए, तो क्यों छोड़िए, तो उनसे पूछिए आप, वो कह रहे हैं कांग्रेस को छोड़ के जाने का उनका मकसद क्या है वो बताएं। वो कह रहे हैं वक्त जवाब देगा, मैं नहीं दूंगा। देखेंगे, वक्त तो आने वाला है। सब मुद्दे जनता को भी मालूम है और आपको भी मालूम है, फिर भी क्या है, जो नारा है ना टिकाऊ और बिकाऊ का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें, किसान सबसे ज़्यादा परेशान है, एग्रीकल्चर लाइन में किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, कोरोना से परेशान है, 100 बातें हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा बिकाऊ और टिकाऊ का है। लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उसको मतदाता बचाना चाहता है। कांग्रेस को ऊपर अक्सर आरोप लगता रहता है कि बहुत गुटबाजी है, सबको समेटना। भैया मेरा ख्याल है अपनी उम्र कितने साल की हो गई, 70 की। मैं शुरू में तो मेरे को बहुत अनुभव नहीं था, पहली बार लड़ा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी यूनाइट कांग्रेस मैंने मेरी उम्र में कभी नहीं देखी। जिस तरह से पिछला जो कांग्रेस यहाँ से जीती थी 1000 करीब के मतों से जीती थी भाई, 1 मिनट, अब क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज है, कितना अंतर से जीतेंगे? तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। क्या है कि मैंने अपने राजनीति जीवन में, राजनीति में एक तो जात धर्म नहीं आने दिया, केला लगा ना 45 डिग्री पे, और दूसरी बात ये कि इलेक्शन तक ही बीजेपी कांग्रेस करी, उसके बाद में इस बीजेपी कांग्रेस को भी दूर करी, आम मतदाता को खुदा समझा और उसकी 35 साल से सेवा करते आ रहे हैं, वो सब रिजल्ट आपको देंगे। जातीय समीकरण यहाँ बड़ा, मैं राजनीति में जात की राजनीति न करता हूँ, न करूँगा, न सोचता हूँ, उस झगड़े से दूर हूँ। क्या कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को 2 बार यहाँ आना पड़ा और आगे भी और संभावना है? भैया वो 2 बार 4 बार आ जाए, वो तो प्रदेश के मुखिया हैं और बड़े आदमी के मामले मेरे को छोटे आदमी को क्यों उलझाना चाहते हो? कमलनाथ जी के और किन के दौरे अभी भविष्य में यहाँ पर? अब पहले इनकी बात दूँ कि आपकी बताऊँ? मैं मुख्यमंत्री जी बड़े आदमी हैं और मैं छोटा आदमी, मैं इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कमलनाथ जी कब आ रहे हैं और कौन कौन और बड़े नेताओं के दौरे हैं? देखिए 19 तारीख को कमलनाथ जी 12 बजे पुनासा आएंगे और उसके बाद में अब ये नामांकन भरने के बाद में विचार करेंगे। असली काम करने वाला तो ग्रास रूट का वर्कर ही होता है, चुनाव हर जीत तो वही कराता है और नीतियाँ कराती हैं। अच्छे रूप में देख रहे, चुनाव जो है, ये चुनाव जो है, जो लोग गलत काम करके गए हैं उनका हिसाब बराबर करने के लिए कांग्रेस का प्रत्येक एक एक कार्यकर्ता और मतदाता की जनता खड़ी है, और जिनने दल बदल के कांग्रेस के लोगों के साथ गलत किया है उनका हिसाब जो है जनता पूरा करेगी। जगह जगह जो भाजपा के प्रत्याशी नारायण पटेल, उन्हें गांव से भगाया जा रहा है, विरोध हो रहा है, इसे किस रूप में देख रहे हैं?
मैं तो प्रत्येक दिन में 40 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ, प्रत्येक एक एक घर में जा रहा हूँ। उनकी जो घोषणाएं हैं देखने को मिल रही है जगह जगह पे, और आदमी एक ही बात बोलता है, कि ये दल बदलू उनका तो बोला हम देख लेंगे, इतना गलत करेल छे। मुद्दा तो एक दल बदलू भी है, मुद्दा जो है ये इनने जो घोषणाएं करी वो भी मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, रोजगारों का मुद्दा है, रोजगार जो लोगों ने को मुहैया नहीं करा पाए हैं वो मुद्दा है, तमाम चीज़ें हैं। आज के बाद लड़ाई कितनी तेज हो जाएगी क्योंकि आपने नामांकन दाखिल कर दिया है? नहीं, लड़ाई तो तय हो ही चुकी है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। जिस दिन उनने कांग्रेस छोड़ के गए थे और उनको प्रत्याशी घोषित किया था उस दिन से लड़ाई हो गई थी। लगातार उनके समर्थन में बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, मुख्यमंत्री का दो दो बार दौरा हो चुका है। आप खुद सोच लीजिए, अगर मुख्यमंत्री अगर 10 दिन में अगर दो बार आ रहा है तो वो खुद चिंतित है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।